आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोशिंबीर की रेसिपी लाई हूँ। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है, जिसे आप सलाद भी कह सकते हैं। इस सलाद को महाराष्ट्र के हर घर में बनाया जाता है, चाहे वो कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या शादी हो, आपको हर जगह ये रेसिपी मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाला सलाद है, जिसे कोशिंबीर कहते हैं। तो आप भी इसे एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। गर्मियों का सीज़न है, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 1 ककड़ी, 1 गाजर, 3 टमाटर और 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया। सभी चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे कोशिंबीर। तो इसके लिए हम सभी सब्जियों को बारीक बारीक कट करेंगे, बहुत ही बारीक बारीक काटना है हमें इसे। तो सभी सब्जियों को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी सलाद वाली सब्जियों को काट लिया है। इस तरह से बारीक बारीक कट करना है। अब लिया है मैंने ये दही। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 चम्मच के करीब चीनी, टेस्ट को बैलेंस करेगी। और अब डालेंगे इसमें सारी सब्जियां जो हमने सलाद वाली सब्जियों को काट के रखा था। टमाटर बारीक कटे हुए, बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई ककड़ी। और अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये कोशिंबीर बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट से जल्दी से बन जाती है, खाने का स्वाद बढ़ा देती है ये। अब हमने सारी चीज़ें दही के साथ मिक्स कर ली है। अब मैंने लिया है ये तड़का पैन। तड़का पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, 2 चम्मच तेल लिया है और इसे गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और 1 पिंच हल्दी। और हमने हरी मिर्च जो काट के रखी थी इसे भी डाल देंगे और हरी मिर्च को थोड़ा सा तेल में ही पकने देंगे। ये देखिए, हरी मिर्च भी अब तेल में थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसी तड़के को हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से फटाफट 5 से 10 मिनट में बनने वाली महाराष्ट्रियन रेसिपी कोशिंबीर है, जिसे सलाद भी कह सकते हैं आप। समर सीज़न है, समर सीज़न में इस तरह से कोई भी सलाद बना के खाए आप दही के साथ। ये देखिए, अब अच्छे से मैंने तड़के को इसमें मिक्स कर लिया है। तो ये कोशिंबीर बनके तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और कोशिंबीर पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सलाद आपको कैसा लगा। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।